कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस का एपिसोड नंबर 509। तो एपिसोड का नाम है एनकाउंटर द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन मिहॉक ज़ोरो सेल्फ विल्ड डेडली स्ट्रगल। तो एपिसोड शुरू होता है मगी आइलैंड में मिहॉक के महल से, जहाँ एक कमरे में बेड पर ज़ोरो बेहोश पड़ा है और तभी ज़ोरो उठ जाता है। अब हॉल में मिहॉक और पेरोना आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी ज़ोरो भी वहां पहुंचता है। ज़ोरो हॉगाई के पास आने लगता है, लेकिन उसके लिए चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है इतनी सारी चोटें लगने की वजह से। इतनी जल्दी में क्यों हो, अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुए। हाँ, तो ज़ोरो कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे बताया कि लूफी के साथ क्या हुआ। ये सुनकर मैं चैन के साथ कैसे बैठ सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि एक जंग भी चल रही है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो ठीक है? बताओ कहाँ है वो, मुझे सब कुछ जानना है। मुझे जो कुछ पता था मैंने वो सब तुम्हें पहले ही बता दिया। तो ज़ोरो कहता है कि फिर मैं माफ़ी चाहूँगा तुम्हें परेशान करने के लिए। ज़ोरो बस निकल ही रहा होता है कि पीछे से मिहॉक की आवाज़ आती है, तो तुम समुंदर को कैसे पार करोगे? अगर तुम्हें एक नाव चाहिए तो फिर इस किले की वेस्ट साइड में एक नाव पड़ी है, तुम वो ले जा सकते हो। अब ज़ोरो उसे कहता है कि तुम्हारी खातिरदारी के लिए शुक्रिया, और निकल पड़ता है नाव के साथ समुंदर की तरफ अकेला। चाहे तुमने अभी अपने भाई को खोया है लूफी, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपना वादा ज़रूर निभाओगे, और इसलिए मैं भी किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँच के ही रहूँगा। और पीछे से ज़ोरो पर हमले शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़ोरो भी हटता नहीं और बराबर ठोकता है। एक को तो ज़ोरो आसानी से संभाल लेता है, लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता और पूरी फौज इकट्ठी हो जाती है फाइट के लिए। आखिरकार आ ही गए तुम सब, पता था मुझे, इतनी आसानी से तो तुम मुझे यहाँ से निकलने नहीं दोगे। अब ज़ोरो आठों तरफ से घिरा हुआ है। एक बंदर आगे आता है और थ्री स्वॉर्ड स्टाइल बुल डीमन से हमला करता है। ज़ोरो उससे तो बच जाता है और फिर उस पर ड्रैगन ट्विस्टर से हमला होता है, जिससे ज़ोरो और उसकी किश्ती दोनों की हालत कुछ सही नहीं रहती। मेरे साथ मत उलझो। मिहॉक अपने किले में बैठा होता है और उसे याद आता है कि आखिरी बार जब उसके और ज़ोरो की फाइट के वक्त जब मिहॉक ने ज़ोरो की पीठ पर हमला करना चाहा, तो ज़ोरो ने अपनी छाती आगे करके उसका वार अपने सीने पर ले लिया। क्या हो तुम? पीठ पर निशान एक तलवारबाज की शान के खिलाफ है। बहुत खूब, अब आगे इस रफ्तार से तो मैं कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर एकदम से सभी बंदर थम जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। ओकाए, तो मिहॉक कहता है कि तुम्हें किले से निकले काफ़ी समय हो गया और तुम बस यहीं तक ही पहुँचे रोरोनुआ। जो नाव मैंने तुम्हें दी थी वो तो अब बेकार हो चुकी है। तो ज़ोरो बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं इस नाव के फट्टे बनाकर इन पर तैर कर निकल जाऊँगा। तो मिहॉक बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की इतनी परवाह करते हो, लेकिन ये बंदर ताकतवर हैं। इन बंदरों को ह्यूमन ड्रिल्स बबून कहा जाता है और ये सभी इंसानों की नकल करते हुए ही बड़े हुए हैं। ये काफ़ी अच्छे दुश्मन बन सकते हैं एक ज़िद्दी और अड़ियल इंसान के लिए। तो ज़ोरो कहता है कि मेरी बात कर रहे हो? हाँ, और कोई है भी नहीं, सूर्य ढल चुका है, मेरे किले में आ जाओ, ये वहाँ तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं समुद्र की तरफ पहुँच कर ही रहूँगा, इनमें से एक एक का पत्ता साफ कर दूंगा। समझ गया, जो मन में आए करो। तो ग्रैंड लाइन के लेजी बोन आइलैंड के हंगेरिया गांव में ब्रुक को कई गुंडे बंदी बनाकर लेकर जा रहे हैं। तो ब्रुक अपने मन में बोलता है कि लूफी, जब भी तुम्हें तकलीफ हो गाना गाओ, संगीतकार इसीलिए तो होते हैं। सो मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास लूफी, लेकिन उससे पहले मुझे बचाओ। अभी फिर से मेडन आइलैंड पर, जहाँ रेले अपना आइडिया यानी कि सुझाव सभी को सुना देते हैं। अब आगे तो तुम क्या करना चाहोगे लूफी? रेले, तुमने अभी क्या कहा?
क्या तुम सुन नहीं रही थी हैनकॉक? तो हैनकॉक बोलती है कि वो बात नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्यों चाहते हो ये। तुम्हें पता है कि लूफी किन हालातों से गुजर रहा है और तुम्हारे फैसले के मुताबिक मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब जिम्बे बोलता है कि वो सही कह रही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ये जानते हुए भी कि उसके साथ क्या हुआ। तो रेले कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, ये एक सुझाव है मेरी तरफ से, फैसला तुम्हारा है लूफी कि तुम्हें क्या करना है। थोड़ा सा सोचने के बाद लूफी कहता है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को फिर से वैसे हालातों से गुजरते हुए नहीं देखना चाहूँगा। अगर मैं वैसे करता हूँ जैसे आप कह रहे हैं तो क्या मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊँगा? तो रेले बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये समझ लो कि ये आसान नहीं होगा। तो लूफी कहता है कि तो ठीक है, मैंने अपना फैसला कर लिया, मैं वापस जाना चाहूँगा मरीन फोर्ड की ओर। टू बी कंटिन्यूड। वन पीस की प्लेलिस्ट के लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाकर पूरी वन पीस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, क्या पता कल होना हो। टाटा।